ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की खरीद में उम्र संबंधित बाध्यता के निरस्तीकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पूर्व महाप्रबंधक एनके सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। एनके सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिंह साहब। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नियमों में बदलाव करते हुए लोगों को एक बड़ी राहत प्रदान की है और अब किसी भी उम्र का व्यक्ति नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। तो पहले इसे खरीदने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल थी, अभी इसमें कमी लाई गई है, तो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। देखिए, पहले अगर किसी आदमी ने बीमा पॉलिसी थोड़ी सी रिलेटिवली यंग एज में लिया है, मान लीजिए कि 25-30-40 में, और 50-65 के बाद भी अगर वो बीमा पॉलिसी अपना रिन्यू कराते रहता है, उसका नवीनीकरण कराता है, तो प्रीमियम ज्यादा दे के करा सकता है। ये जो नई व्यवस्था आई है, इस व्यवस्था में किया क्या गया कि 65 की उम्र के ऊपर का आदमी नई बीमा पॉलिसी नहीं ले सकता। मतलब कि अगर उसने पहले से बीमा नहीं कराया है और वो चाहता है कि 65 की उम्र हो गई है और नए पहली बार बीमा करा रहा है, तो उसको नहीं मिलता। लेकिन अब इस व्यवस्था के तहत पहली बार भी 65 से ज्यादा की आयु के व्यक्ति को बीमा मिलेगा। ये नई व्यवस्था इस मामले में अच्छी है कि बहुत लोगों को 65 के बाद बीमा की जरूरत पड़ती है। ये एक उम्र का ऐसा पड़ाव है कि जब हेल्थ केयर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय उसे इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए IRDA ने जो बदलाव किया है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन इसमें देखना यह है कि बीमा कंपनी इस पर प्रीमियम क्या लाती है, क्योंकि इस एज ग्रुप में अगर कंटिन्यूअस इंश्योरेंस किसी का है तब भी उसको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता था। अब नई पॉलिसी लेने में उसको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, IRDA ने इस पर कुछ अपना निर्णय नहीं दिया है, बीमा कंपनियों पर छोड़ दिया है। बीमा कंपनी अपने अनुभव से, उनका जो अंडरराइटिंग का अनुभव है, जो क्लेम एक्सपीरियंस है, उससे वो प्रीमियम फिक्स करेंगे। सिंह साहब, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, तो इस पहल को आप किस रूप में देखते हैं, या फिर हम यूं कहें कि इसका मकसद क्या है? इसमें जो 2-3 बदलाव जो किए गए हैं वो बहुत स्वागत योग्य हैं और इसका बहुत दूरगामी असर होगा, खास करके सीनियर सिटीजन के हेल्थ के रिक्वायरमेंट, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी जो जरूरतें हैं उसको बहुत पॉजिटिव सेंस में, सकारात्मक रूप में उस पर असर डालेगी। पहला बदलाव तो ये है कि पहले अगर कोई बीमा पॉलिसी लेता था तो 4 साल तक उसने अगर कोई बीमारी डिक्लेयर की है, जैसे उसने कहा कि मैं BP की दवा खाता हूँ, डायबिटीज की दवा खाता हूँ, या अमुक बीमारी मेरे को है, तो 4 साल तक उस बीमारी से संबंधित कोई भी अगर इलाज होता है तो उसको पैसा नहीं मिलता। अब जो इसमें है कि 4 साल की अवधि को कम करके 3 साल कर दिया गया है इस रेगुलेशन नए में, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है कि 1 साल की राहत किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जी, तो उसके लिए दी है इस रेगुलेशन में। दूसरी बड़ी राहत यह है कि अगर किसी ने, पहले क्या होता था कि आपने अगर कोई बीमारी का को डिस्क्लोज नहीं किया, होता यूं है कि आप दवा खा रहे हैं, डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्रिप्शन पर कोई बीमारी लिखा, DM type 2 लिख दिया जी, मतलब है कि Diabetes type 2 लिखा है, HT लिख दिया, Hypertension। अब आम जनता समझती नहीं है कि इसका मतलब क्या है, उसने गलती से अपने प्रपोजल में लिख दिया कि मेरे कुछ कोई बीमारी नहीं जी, मैं दवा खाता हूँ, दवा पूछता नहीं है सिर्फ बीमारी के बारे में। तो जब क्लेम हो जाता था तो कहते थे आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि आपको ये बीमारी थी, और बिना डिस्क्लोज किए, बिना बताए आपने पॉलिसी ली है, तो ये अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल का ये वायलेशन है, उसके खिलाफ है। इसलिए इस पॉलिसी के तहत जो भी दावा आप कर रहे हैं वो सभी दावा को नकारा जाएगा। अब किया है कि गलती से या किसी कारणवश अगर किसी ने कोई अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डिक्लेयर नहीं भी किया है या नहीं किया है, आपको 3 साल के बाद उसे क्लेम देना पड़ेगा इस ग्राउंड पर, इस बिना पे, इस आधार पे कि आपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डिक्लेयर नहीं किया है, क्लेम बीमा कंपनी नकार नहीं सकती। तीसरा बड़ा बदलाव है कि बीमा कंपनी ने कहा है कि सीनियर सिटीजन के इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट के देखते हुए एक अलग से या विभाग या चैनल इन्हें बनाना पड़ेगा ताकि इनका क्लेम, इनकी शिकायतों का तुरंत निपटारा हो सके, एक अच्छी पहल है जी। अब इसमें देखना होगा कि इसके लिए बीमा कंपनी किस तरह की व्यवस्था लाती है और व्यवस्था कितनी कारगर होगी, इस पर IRDA को सतत नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज
मैं कहा गया है कि ये ऑफेंस होगा कि अगर कोई उम्र या प्री एग्जिस्टिंग कारणों से किसी को बीमा न करता, जैसे बहुत सारे एड्स कवर नहीं है अभी पॉलिसी में, कोई किसी कैंसर है तो उसको देते नहीं है, क्या हार्ट का प्रॉब्लम है, चाहे किडनी का प्रॉब्लम है तो उसको देते नहीं है, और जब रिन्यू करते हैं तो बीमारी हो गई, उसका इलाज हो गया तो उसको एक्सक्लूड कर देते। कई सारी बातों को देखते हुए आईआरडी ने कहा है कि सारे बहाने या पॉलिसी कंडीशन में लिखा हुआ भी है कि अगर किसी बीमारी का इलाज किया है तो मैं उसको नकार दूंगा, क्या उस पॉलिसी को रिस्ट्रिक्ट करूंगा, ये छोड़ के बाकी वो अब नहीं रहेगा जी। लेकिन अक्सर हाँ बीमा नहीं रिन्यू करने के बहाने दूसरे भी होते हैं, अब उसको कितना ध्यान में रखती है, उस पर क्या इनका नियंत्रण होगा, किस तरह इस बात को बीमा धारकों को इसमें किस तरह की सहूलियत दे पाएगी जी। सिंह साहब अभी जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था आपने उसके बारे में जानकारी दी, उत्तर दिया आपने। मेरा अगला प्रश्न ये है कि सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो इंश्योरेंस पॉलिसीज लाने और उनके क्लेम करने या फिर उनकी शिकायतों को निपटाने के लिए किस तरह के उपाय किए जाएंगे, क्योंकि बहुत से हमारे श्रोता ऐसे होंगे जो अभी ये जानना जरूर चाहेंगे कि ये सब कैसे होगा। पहले तो आईआरडीए ने अभी जो बात कही है उस पर कोई एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लाया नहीं है जो लाना चाहिए कि क्या करना होगा। उन्होंने कहा है कि एक खास चैनल सिर्फ इसी एज ग्रुप को, इसी डेमोग्राफी को एड्रेस करते हुए बीमा कंपनी को रखना पड़ेगा हर कंपनी जी। मैं समझता हूं कि बीमा कंपनी एक विभाग बनाएगी या एक सेल बनाएगी जो सीनियर सिटीजन के क्लेम को देखेगी। करना ये चाहिए कि उसमें ऐसे लोगों को बहाल करे जो सहानुभूतिपूर्वक और सीनियर सिटीजन के जरूरतों को देखते हुए का निपटारा करे। एक दूसरी बात इस रेगुलेशन में है जो कहना अभी इस विषय में बहुत जरूरी है कि अभी जो पॉलिसी दी जाती है वो इंडेमनिटी पॉलिसी होती है कि आप बीमा लिए हैं, आप बीमार पड़ गए हॉस्पिटल में, आपने 1 लाख की पॉलिसी ली, हॉस्पिटल के खर्चे 50,000 है, 50,000 आपको पेमेंट होगा जी। और अगर हेल्थ पॉलिसी पूरी फैमिली के लिए है तो बाकी 50,000 दूसरी फैमिली मेंबर को बीमा अवधि में यानी कि साल भर में कोई और भी उसको इस्तेमाल कर सकता। अभी इन्होंने कहा है कि अब ये इंडेमनिटी पॉलिसी नहीं होगी, सिर्फ खर्चे का हिसाब नहीं करना पड़ेगा, ये बेनिफिट पॉलिसी होगी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस में बेनिफिट पॉलिसी होती है, लाइफ कंपनी भी हेल्थ इंश्योरेंस करती है लेकिन वो बिल नहीं मांगती है कि आपने हॉस्पिटल में क्या खर्चा किया क्या हुआ, वो कहती है कि भाई आपकी पॉलिसी 1 लाख की है, आप क्या बीमारी हुआ, हॉस्पिटलाइज हुए, आप बता दीजिए, आपको 1 लाख बेनिफिट के तौर पर मिल गया, अब आप जैसे उसको हॉस्पिटल में दीजिए ये करिए, उसमें कैशलेस का एक नहीं होता है जी। जब कोरोना आया था तो सभी कंपनी ने कोरोना रक्षक पॉलिसी दी थी, कोरोना रक्षक पॉलिसी का था कि 72 घंटा सरकारी अस्पताल में आपको एडमिट रहना होना था और आपको कोरोना के लिए पॉजिटिव किसी सरकारी अस्पताल के द्वारा डिक्लेयर करना होगा, तो 2.5 लाख रुपया एक मुश्त आपको दे दिया जाता था, क्या खर्चा हुआ क्या बीमा कंपनी नहीं पूछती। अब आईआरडीए ने बीमा कंपनी को खर्चे का हिसाब वाली पॉलिसी को देने से मना कर दिया, अब सभी बीमा कंपनी को एक मुश्त पैसा जो पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है जितनी की पॉलिसी ली गई है वो पैसा क्लेम होने पर देना पड़ेगा। अब ये अच्छा डेवलपमेंट इसलिए है कि सीनियर सिटीजन को बिल के लिए हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, डॉक्टर से लिखवाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ बीमारी का डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमारा इलाज उसका इलाज चल रहा है, उसने खर्चे हो रहे हैं इस हॉस्पिटल में भर्ती का और उसको इतना पैसा मिल जाएगा। अब इन तमाम चीजों को एडमिनिस्टर करने के लिए, इनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए हर बीमा कंपनी अपने अपने तरह से इसके लिए व्यवस्था करेगी, लेकिन अच्छा ये होता कि इसमें एक स्टैंडर्ड व्यवस्था की बीमा आईआरडीए की तरफ से कोई सुझाव आता चाहे एक गाइडलाइन आता कि सभी, लेकिन मेरे को लगता है कि वो लोग एक स्पेशल सेल बनाएंगे जो इन क्लेमों को खास तौर पे देखेगा, ये नहीं कि और जितने तरह के हेल्थ क्लेम आ रहे हैं उससे शायद इसको अलग रखेगा और रखना भी चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन को दौड़ भाग करना, कागज लेके जाना, बार बार ऑफिस का चक्कर काटना उस एज ग्रुप में मुश्किल है, ये करना पड़ेगा। और इनके शिकायतों का निपटारा भी, अगर कोई शिकायत है तो उसका भी इनको एक अलग से सेल बनाना पड़ेगा और एक अवधि, एक फिक्स टाइम फ्रेम में अगर कोई इनकी शिकायत आती है
तो उसका निपटान करना पड़ेगा, और नहीं करने पर कि उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो कि कंपनी को कुछ पेनाल्टी लगे तब जाके। और तीसरा ये होगा कि जो अभी एक बीमा लोकपाल की व्यवस्था है, जहां क्लेम नहीं मिलने पर या देर से मिलने पर या कम मिलने पर वहां शिकायत की जाती है, खास करके व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी वालों के द्वारा, और उनको यह है कि 3 महीना में कागज सारे मिल जाने के बाद शिकायत का निपटारा करना होता है, वहां शायद IRDA को कुछ रेगुलेशन में सुधार करके कहना होगा कि इनके क्लेम का निपटारा महीना दिन में करें, 30 दिन में करें, 15 दिन में करें, ताकि उनका निपटारा त्वरित गति से हो, सीनियर सिटीजन को लाभ मिले। तो ये सब चीज अभी आना बाकी है, और जब इतना कुछ आगे बढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आए। जी सिंह साहब, बड़ी अच्छी जानकारी आपने साझा की। वैसे ये हम कह सकते हैं कि हमारे देश में समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता लंबे समय से रही है, और कोविड के बाद इसमें कई सुधार किए गए, बदलाव भी किए गए हैं। फिलहाल जो ये नई व्यवस्था आई है, ये हमें बहुत ही एक ब्रॉड वे में या विस्तृत रूप से किस तरह से लाभ देने वाली है आगे चलकर? आगे चल के पहला लाभ, अब मैं दोनों तरफ की बात करता हूं। जी जरूर। बीमा कंपनी के लिए लाभ ये होगा कि जो अभी जो इंश्योरेंस कराने वाली जो संख्या है आदमी की, पॉलिसी होल्डर जी, वो बढ़ेगा, वो संख्या बढ़ेगी, और जो जिनको इंश्योरेंस की जरूरत है, अत्यधिक जरूरत है, उन लोगों को इंश्योरेंस मुहैया होगी बीमा कंपनी के द्वारा। एक अच्छी बात है, कारण कि लॉन्जेविटी देश में बढ़ रही है, लोगों की उम्र जो लंबे समय तक लोग जिंदा रह रहे हैं पहले की अपेक्षा, तो जब लंबे समय तक लोग जिंदा रह रहे हैं तो उनको हेल्थ स्वास्थ्य के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके लिए इंश्योरेंस की जरूरत तो है, और ये बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी, और सरकार समाज के तमाम अंग, स्वयंसेवी संस्था, सरकार के बहुत सारे अंग, बहुत सारे जो बीमा धारकों की जो कुछ ग्रुप हैं, वो सब इस बात के लिए कोशिश कर रहे थे, ग्राहकों का जो ग्रुप है, कि इस उम्रदराज लोगों को बीमा की जरूरतों को देखा जाए। और दूसरी बात यह है कि हर साल देखा जाता है कि 15-20% हेल्थ का खर्चा बढ़ रहा है, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ रहा है, हर ट्रीटमेंट का, दवा की कीमत बढ़ रही है, तो इस सब को देखते हुए ये बदलाव बहुत जरूरी था, और आने वाले दिनों में ये बहुत ही लाभदायक और सीनियर सिटीजन के लिए रहेगा, और खास करके उन्हें बीमा जो स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की जो बढ़ोतरी हो रही है उसका केयर करेगा। जी सिंह साहब, वैसे तो स्वास्थ्य बीमा का लक्ष्य ही यही होता है कि सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो, और अभी हम उस लक्ष्य तक शायद नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य बीमा से भी वंचित है। तो ये जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, आप काफी हद तक लोगों तक स्वास्थ्य बीमा पहुंचाने की जो पहल है उसमें इन्हें कितना लाभदायक मानते हैं? देखिए, बीमा को बहुत फैलाव के लिए तीन चीज जरूरी है। एक तो है कि सुटेबिलिटी होनी चाहिए पॉलिसी की, पॉलिसी की सुट, जैसे अब 65 साल के आदमी के लिए बीमा होता ही नहीं था, तो सुटेबिलिटी नहीं थी, और जो पॉलिसी है वो बहुत सामाजिक ग्रुप का बहुत सारा हिस्सा है, जिसको एक खास तरह की पॉलिसी चाहिए, उस तरह की पॉलिसी, सुटेबल पॉलिसी उसके लिए होनी चाहिए। दूसरा है कि एक्सेसिबिलिटी, जो ग्रुप है उसके लिए बीमा एक्सेसिबल हो, बहुत सुदूर गांवों में रहने वाला आदमी या ऐसे आर्थिक स्थिति में जो लोग हैं जिनकी पहुंच नहीं है, जो पढ़े लिखे कम है, वो कागजी कार्रवाई उतना नहीं कर सकते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके लिए भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और अफोर्डेबिलिटी और प्रीमियम ऐसा हो कि भारत की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है आम जनता की, वो देखते हुए वो पॉलिसी अफोर्ड कर सकता है, उसके प्रीमियम को दे सकता है। ये बात सबको पता है कि ये बीमा की जरूरत सबको है, ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि कभी वो बीमार नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, या उसको दवा की या डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। एक ऐसी चीज है जिसको कभी न कभी हर आदमी को जिंदगी में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसके तीन चीजों का ध्यान करना पड़ेगा, और खास करके बीमा कंपनियों को भी करना पड़ेगा। और हमको लगता है कि IRDA नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन की जो कहा है कि सबकी कंपनी के लिए करना जरूरी होगा, तो आज जब रेगुलेशन डिटेल आएगा तो मेरे को लगता है और करना भी चाहिए कि शायद IRDA कहेगा कि आप अपने प्रीमियम का एक नियत हिस्सा सीनियर सिटीजन की पॉलिसी का होना चाहिए, आपका नंबर ऑफ पॉलिसी या अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तभी शायद बीमा कंपनी न चाहते हुए भी उनको इस एज ग्रुप को बीमा देना पड़े, एक पहल करनी पड़ेगी। जी सिंह साहब, हमसे चर्चा करने के लिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की खरीद में उम्र संबंधित बाध्यता के निरस्तीकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पूर्व महाप्रबंधक एनके सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।